हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले एक कमेंट पढ़े। अच्छा, मतलब माँ मरी नहीं, मेहर एक नाजायज़ औलाद है। भर गई याशी करी, भर गई बयाशी करी, बेटी हो गई बिना शादी, औरत तो छोड़ ही जाएगी ना, वो क्यों पाले। वेरी गुड डिसीजन मेहर मॉम। ये कमेंट कल के वीडियो का है जिसके अंदर मेहर की माँ का सच जो है इन्होंने बयान किया है, जिसके बाद इस किस्म के कमेंट ढेर एक मिले हैं। अच्छा, ये कमेंट मैं पहले ही बता दूँ, मैंने जो है रेडिट से उठाया, बट ऐसा सेम कमेंट आपको जो है वो सभा के लेटेस्ट व्लॉग में मिल जाएगा। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिला नहीं, क्योंकि वो नीचे चला गया होगा या तो सभा ने डिलीट कर दिया होगा। बट इस किस्म के और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, ढेर एक कमेंट्स मिलेंगे आपको सभा के व्लॉग में जो कि इसी किस्म के हैं। यार मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा, तुम उस बच्ची का खुलासा, ऐसे तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि खुलासे मांगती हैं, ऐसे कितने सारे रिव्यूअर्स हैं जो खुलासे मांग रहे, तो तुम दो ना खुलासा, तुम अपनी लव स्टोरी का खुलासा दो जिस पर तुम्हें, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है कि तुमने जो है वो जहर खाने की धमकी दी है, तुम्हारी वजह से जो है वो एक माँ ने जो है वो कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली थी, और तो ये सारी चीज़ें की हैं। और जो दीपिका की बेटी का सच है, ये देखो एक कमेंट ये भी मैंने पढ़ा है, आपके व्लॉग्स का रिव्यू करने वाले बहुत से लोग यूट्यूब पे ओपनली बोलते हैं कि आपकी दीपिका भाभी अपनी बेटी को छोड़ के चली आई है अपनी सेकंड मैरिज में, क्यों नहीं आप लोग इस पर कोई स्टेप लेते, तो स्टॉप रूमर्स कॉज यू हैड नो हेजिटेशन इन डिस्कसिंग अबाउट मेहर्स मॉम। आप हमेशा दूसरे के प्रॉब्लम्स बहुत ओपनली बोल देते हैं और अपनी चीज़ें प्राइवेट रखनी है पब्लिक फिगर होते हुए, वाई डबल स्टैंडर्ड्स, क्यों नहीं आप इग्नोर कर देते मेहर के मॉम के क्वेश्चंस, इवन इफ पीपल वेर आस्किंग, एज यू इग्नोर सो मैनी क्वेश्चंस यू डोंट वॉन्ट टू आंसर इट ईजीली टू टॉक अबाउट अदर इज नॉट इट। तो या सीरियसली यही बात है ना कि भाई मेहर को कौन जानता है, ठीक है मेहर को तो जानते हुए सबको जुम्मा जुम्मा चार दिन में, तुम्हारे व्लॉग में वो चार दिन आएगी, चार दिन बाद जब वो मौदा चली जाएगी तो वो गायब, तो उसकी बारे में इतनी हकीकत बताने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है। पूरा तुमने उस पर एक व्लॉग छाप दिया क्योंकि तुम्हें पता है कि नीचे जो क्वेश्चंस थे वो मेहर की माँ को ही लेके थे, ठीक है, और उसी का खुलासा जो है आमिर जहांगीर ने किया था। तो भाई आमिर जहांगीर ने तो और बहुत सारे खुलासे किए हैं, और बहुत सारे खुलासे आमिर जहांगीर ने किए जिसका जवाब तो तुम लोग नहीं देते हो। फिर उसका जवाब तो शुएब ने एक ही चीज़ कही है कि मैं उसको उस लेवल का समझता ही नहीं हूँ कि मैं उससे जाके उसके जो ना वो बात करूँ, तो फिर इसका जवाब क्यों दिया तुम लोगों ने उस बच्ची पे। यार हम सोच सकते हैं, देखो कमेंट करने वाले, हमें अच्छे से पता है कि कमेंट करने वाले मिलेंगे, ये बात जब तक नहीं थी तब तक सिर्फ एक हवा बनी हुई थी कि हाँ मेहर की माँ भाग गई है, भाग गई है, भाग गई है, लेकिन कल जब उसने वो चीज़ें बताई ना कि एक महीने की थी तब वो छोड़ के चली गई, तो ये कहीं ना कहीं कि उसकी पसंद की शादी थी, ये थी वो थी, कहीं ना कहीं जो है वो एक चीज़ पर लग गया जाकर, वो एक नाजायजगी वाली फील आ गई। सीरियसली कमेंट हद से ज़्यादा वही है कि यकीनन ये कोई नाजायज रिश्ता था, ये कोई हलाल रिश्ता, यार तुमने उस बेटी को अपने एक व्लॉग से नाजायज में चेंज कर दिया, तुम्हारे इस व्लॉग में। देखो बोलने वालों की जबानें नहीं रुकेंगी, बोल रहे थे, बट तुम्हारे व्लॉग से कन्फर्मेशन वाली चीज़ें जाएंगी तो वो फिर कहीं से काबिल कबूल नहीं होंगी। ऐसे तो तुमसे तुम्हारी लव स्टोरी हज़ार बार मांगी, ऐसे तो दीपिका की इतनी कितनी चीज़ें मांगी, क्यों नहीं भाई खुलासे करते, पब्लिक फिगर तो तुम हो ना, लोग तो तुम्हें देख रहे हैं, लोगों ने मेहर को तो देखा ही जुम्मा जुम्मा चार दिन से, फिर तुम कैसे अब उनके अंधभक्त आके बोलेंगे लोग इतने क्वेश्चन, तो भाई लोग तो हज़ारों किस्म के, हम रिव्यूअर्स ही 50 बार क्वेश्चन उठाते हैं, क्यों हर रिव्यूज़ का, हर रिव्यूअर के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता, अपने मतलब का जवाब देते हैं, ये सिर्फ उस चीज का जवाब देते हैं जिसमें कोई दूसरा रोल होगा, किसी दूसरे की जात पर इफेक्ट पड़ेगा, इनकी अपनी जात पर इफेक्ट पड़ता है तो ये फौरन बोल पड़ते हैं। देखो मुझे तो बुराई सुनने की आदत हो गई है, तो बुराइयां दिखा रहे हो तो सुननी पड़ रही है ना, क्यों दूसरों को इतनी बुराइयां नहीं झेलनी पड़ती है, तुम अपनी हाइपोक्रेसी, फिर मेरा हाइपोक्रेसी गलत हो गया, हाइपोक्रेसी की इंतहा दिखा रहे हो ना, वो दिखा रहे हो हद से ज्यादा, तो इसीलिए तो लोग तुमको ट्रोल कर रहे हैं ना, फिर तो लोग सवाल उठा रहे हैं। अरमान मलिक को देख लो, उस पर भी ठीक ठाक सवाल उठते हैं क्योंकि वो दिखा रहा होता है। भाई अरमान मलिक पे मैं एक चीज देख रही हूँ, उसके भी ब्लॉग का बहुत जल्द रिव्यू करने वाली हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। मतलब कि वो भी जो है वो, मैंने पता नहीं एक चीज़ इसके नोट करी है कि पायल जो है वो जब से सलमान स्मार्ट हुई है, प्यारी दिखनी शुरू हुई है, उसने कृतिका को इग्नोर करना शुरू कर दिया, यानी वो कहीं ना कहीं खूबसूरती के लेवल का मारा है। किसको उसको लगता है कि ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बहरहाल अपना जो है वो हम आते अपने टॉपिक पर। देन अजीब किस्म के हालात हैं, अजीब किस्म की चीज़ें हैं, मुझे सीरियसली वो व्लॉग देखकर, वो पॉडकास्ट देखकर, वो व्लॉग देखकर इंतहा से ज़्यादा गुस्सा आया। तुमने टाइटल भी यही लिखा मेहर की माँ का सच, भाई तुम्हें क्यों ज़रूरत है ऐसी मेहर की माँ का सच बताने की, ऐसे तो हजारों क्वेश्चंस यूट्यूब पे पड़े हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो तुम्हारी अपनी लव स्टोरी पर है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो तुम्हारी जो है वो अपनी उस वाले सवाल पर है जो तुम्हारे इससे पहले, सनी से पहले जो है तुम्हारे बीएफ के बारे में बोला जाता है, उसकी माँ के बारे में बोला जाता है कि उसने जहर खा लिया था, ये खा लिया था, तो वो खुलासे करो ना भाई, ये खुलासे आगे करो कि मेरी जिंदगी का सच, मेरे पहले बॉयफ्रेंड का सच, फिर लोग तुम्हारे, अब पता है अभी देखो मैंने तो कोई ऐसी किस्म की बात नहीं करी, लेकिन अब जो दूसरे पॉडकास्टर्स है ना वो इसके सच निकाल कर
कराएंगे कि ये लीजिए सबा का ये वाला सच, सबा के पास, तो मतलब कि तुमने उड़ते तीर खुद अपनी तरफ दोबारा लपेट में लिए, क्यों तुम इस तरीके से कर रही हो? यानी सीरियसली तुम्हारी भाभी के बारे में 100 लोग पूछ रहे हैं कि उसका पहली बेटी है, पहली बेटी, एलिगेशन के ऊपर एलिगेशन लगे हैं। नेहा फैजी ने उस चीज़ को क्लियरली कहा है कि जाओ तुम केस भी करोगे, मैं तुम्हें केस में भी साबित करूंगी क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, ये है वो है। तो मतलब कि फिर तुम उस चीज़ को क्लियर करो ना कि भाभी की पहली बेटी का सच बनाओ ऐसा टाइटल, तो मैं लग पता जाएगा भाई की पहली गर्लफ्रेंड का सच, भाई का अपनी दीपिका के साथ शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर का जो है वो सच बनाओ ऐसा टाइटल, ज़रा बताओ इसके भी खुलासे करो। तो फिर लोग, तुमने एक इतनी सी बच्ची को यूट्यूब के सामने, जिसको ना यूट्यूब का अलिफ आता है ना बे आता, उसको तो पता ही नहीं है ये सोशल मीडिया की दुनिया क्या है, वो तो जानती नहीं है, उसको तो इस गंद के बारे में पता ही नहीं है, सोशल मीडिया कितना बड़ा गंद है, शायद सभा को 4 साल में समझ नहीं आया या 4 साल में उसका दिमाग हट गया है। इसके 4 साल के दिमाग हटने से ही पता चलता है, इसके 4 साल का इसी ने व्लॉग चलाया था ना, 4 साल पहले का व्लॉग जो समोसे वाला व्लॉग था, उसमें देखो वो हालांकि 4 साल पुरानी थी, शादीशुदा नहीं थी, बट वो कितनी कॉन्फिडेंस है और कितने मैच्योर लेवल पर बात कर रही थी ना, मतलब बच्चे वाली वॉइस नहीं। और अब इसकी वॉइस देखो, लोगों की वॉइस वक्त के साथ साथ एक रोप वाली होती है, इसकी और बच्चे वाली हो गई है, इसका तो मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा जो ना वो इफेक्ट्स लग गया बच्चे वाला। तो फिर भाई थोड़ा इफेक्ट जो लगा रही हो ना वो वॉइस का, शायद वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बच्चे वाला उसको थोड़ा सा कम करो, मतलब कि यार क्या दिखा रहे हो। सीरियसली मुझे अब तक जितना भी ज्यादा लगता था कि नहीं यार, मैं काफी चीजों में उनको, मुझे कभी भी परसों भी कमेंट आया कि आप उनकी जो है ना इमेज व्हाइट वॉश करती हैं और आप जो ना वो उनकी क्रिटिसाइजम में व्हाइट वॉश कर रही हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ सीरियसली। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जो थोड़ा बहुत भी मैं बख्श रही थी ना वो मुझे बख्शना चाहिए, मतलब सीरियसली ये व्लॉग्स के लिए, ये पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। ये मैंने कल के व्लॉग में देख लिया, ऐसे सच तो भाई हजारों लोग पूछ रहे, तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर सच पूछ रहे हैं, भाभी की प्रेगनेंसी को लेकर सच पूछ रहे हैं, क्यों भाई हर चीज के खुलासे नहीं कर रही हो? लेकिन हाँ, मेहर की मॉम का सच तुमने बताना लाजमी पड़ गया था, क्योंकि मेहर की माँ तो जो है ना वो पूरी की पूरी तुम्हारी कंटेंट क्रिएटर थी, तुम्हारे तो व्लॉग्स में वो 4 साल से आ रही थी और वो अचानक गायब हो गई थी, इसीलिए लोग इतना ज्यादा सवाल कर रहे थे तुम्हें, उसकी वजह से जो है वो इग्नोर किया जा रहा था, तुम्हारे व्लॉग्स की रीच डाउन हो गई थी, इसलिए तुम्हें वो सच बताना तो लाजमी था, उसके बगैर तो तुम्हारा चैनल चलना नहीं था, क्योंकि तुमने कॉन्टेंट बनाना था, तुमने उस कॉन्टेंट को मोनिटाइज करना था, तुम्हें अच्छे से पता था कि कॉन्टेंट बहुत अच्छे से मोनिटाइज हो रहा है, मेहर के नाम पर बहुत अच्छे से तुम्हारी रोटियां सिक रही हैं। लेकिन नहीं भाई, अजीब किस्म का मुझे इंतहा से ज्यादा उस व्लॉग को देखकर गुस्सा आया है, और मुझे वो क्लिप, मुझे सीरियसली, मैंने एक तो वैसे ही वो जो इंटरव्यू लिया वो देख के गुस्सा आया कि तुम्हें उस बच्ची का इंटरव्यू लेने की जरूरत ही क्या थी, तुम्हारी पॉडकास्टर की तुम जो कॉन्टेंट अपना क्रिंज बना रही हो वही बनाती, ऐसे कॉन्टेंट बनाने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? एक तो तुमने उस बच्ची को वैसे ही सोशल मीडिया पर लाकर खड़ा कर दिया, यार ये बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है, पता है वो सोशल मीडिया यूज करती है, वो देखती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि मैं आपके व्लॉग्स भी देखती हूँ, मैं जो है वो एक दो एस्ट्रोलॉजी वगैरह के व्लॉग्स भी देखती हूँ, मतलब वो व्लॉग्स देखती है, और जब वो व्लॉग्स देखती है तो वो कमेंट्स भी पढ़ती है, ठीक है, उसको बार बार डिग्रेड कर देना, उसके सामने इंग्लिश झाड़ना, मतलब क्या भाई, तुम्हारी इंग्लिश हमको नहीं पता है कि वो मेरे जैसी है, फिर उसके बावजूद भी तुम उस बच्ची को जो है डिग्रेड करने का कोई बहाना नहीं ढूंढ रही हो, कोई, तुम्हें पता था कि इस चीज़ के बाद ये सवाल आएंगे, क्योंकि तुम जानती हो सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोगों की जबानें बंद नहीं रह सकती, देखो जबानें पहले भी बंद नहीं थी, मैं ये नहीं कह रही कि जबानें बंद थी, लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, सवालात कर रहे थे, जैसे तुमने हर चीज़ को आज तक इग्नोर किया वैसे इसको भी इग्नोर करती थी, क्यों जो है तुमने एक नया बनाया कि मेहर की माँ का सच, ऐसा कौन सा सच था जो तुमने बताया? पूरा मौदहा जानता है, तो मौदहा तो बहुत कुछ जानता है, पूरा मौदहा तो बहुत कुछ बयान देता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारी अम्मी के बारे में, तो क्या उस चीज़ के सच? हाँ, उसकी अम्मी के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वो अम्मी को जो है वो उसके अब्बू को लेकर चली गई हैं और वो उनको मिलने नहीं देती, और ये सब तो हमें भी पता है कि उसका ददियाल से क्या रिलेशन है, लोग पूछते भी हैं कमेंट्स में, तुम्हारे कमेंट्स में तो ये भी सवाल है, पॉडकास्टर्स तो ये भी सवाल करते कि तुम्हारे अपने ददियाल से रिश्ते क्यों खराब है, उसका सच बताओ, तुम अपनी दादी की जो है वो इंतकाल में क्यों नहीं गए, उसका सच बताओ, रजा रेहान अपने दादा के इंतकाल पे क्यों नहीं गए, उसके सच बताओ, ये सारे सच तो खोलो, फिर उसके बाद तुम मेहर पर आती ना, मेहर तो तुम्हारी बहुत बात का कॉन्टेंट है, लेकिन इस वक्त ये हाई कॉन्टेंट चल रहा है, तो तुमने सोचा कि चलो उसको मोनिटाइज किया जाए और उसको किया जाए। भाई तुम लोग एक दूसरे के भी, मैंने कल मुझे लग रहा था कि इनका बॉन्ड वापसी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, बट सीरियसली कल की मुझे वीडियो देख कर मैंने कहा ये सब फेक चल रहा है, सब फेक है, अगेन फेक है, ये कुछ जो है वो नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, या तो जो है वो शोएब जो है वो बिग बॉस में जाने की शायद उसकी अफवाह आ रही है कि बिग बॉस में जाने वाला है वो, तो उसकी वजह से दोबारा से जो है ये हम साथ साथ वाला ड्रामा स्टार्ट किया गया है, ताकि लोग जो है इनको हम साथ साथ वाली फीलिंग में लाएं, और इनके जो अंधभक्त अभी भी उनको नजर नहीं आएगा, उनको लगेगा कि क्या वो उसने सच ही तो बताया, तो भाई अपनी जो ये जो आपकी जो आपी है जिसको आप अपना इंस्पायरिंग मांग रहे हो, मान रहे हो, इसको आप बहुत कुछ समझ रहे हो, तो उनसे जाके पूछो कि पहले आप अपनी शादी का सच बताओ, अपनी लव स्टोरी का सच बताओ,
पहले आप दीपिका की बेटी का सच बताओ, उसके बाद फिर आप मेहर का सच बताते, तो कहीं ना कहीं वो काबिले कबूल होता कि चलो आज हम सारे सच बताते हैं कि मेरी वजह से जो है किसी ने सुसाइड किया था, मैंने एक सुसाइड की धमकी दी थी, मैंने किसी को ज़बरदस्ती मनाया था, मैं सनी को उसके घर वालों से छीन के लेकर आई थी, या मैंने सनी को जो है वो ज़बरदस्ती जो है सऊदीया भेजा था। तो पहले ये सच खोलते ना, उसके बाद फिर आते मेहर की माँ का सच, तो फिर वो अच्छा भी लगता और लोग अप्रिसिएशन भी करते कि यार देखो बंदी कितना सच बोल गई है, यूट्यूब पर आकर अपनी उसने सोची नहीं और अपनी धजियां उड़ा गई, तुमने अपनी धजियां तो नहीं उड़वाई, वो सिर्फ आज तक चैम हो गया। देखो जब तक इनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं होगी, इन पे ये एलिगेशन का ही नाम लगा रहेगा, ठीक है, जब तक इनकी तरफ से ये कन्फर्मेशन नहीं होगी, तुमने मेहर की माँ पर कन्फर्मेशन दे दी, यानी तुम्हारी तरफ से कन्फर्मेशन आ गई कि उसकी माँ भाग गई है और उसकी माँ ने जो है वो एक महीने की बच्ची नहीं देखी, जो सीधा सीधा एक ही उस पर जा रही है, यानी तुमने किसी तरीके से निकाह को भी वो नहीं करा, एक आध बार बोला कि हाँ ठीक है वो शादी कर ली थी ये कर लिया था, लेकिन तुमने कहीं भी नहीं बोला कि निकाह नामा था, डिवोर्स वगैरह कुछ भी इस किस्म का जिक्र नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं तुमने इनडायरेक्टली उसको ही नाजायज करार दे दिया, तुम्हारी उस बच्ची पर नाजायजगी के सवाल उठ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नाजायज का मतलब हम और आप सोच सकते हैं? और देखो भाई जिस मजहब को वो फॉलो कर रहे हैं वहां पर तो ये तो एक अलग ही लेवल की गाली वाला लफ्ज है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते, पता ये तो मतलब कि मुझे देखो मैं बाकी को नहीं जानती, मुझे बाकियों का नहीं पता कि वहां पर ये क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप में, देखो मुझे नहीं लगता कि नाजायज बच्चे कहीं भी किसी भी इसमें जो है वो काबिल एहतराम नजरों से देखे जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी हकीकत है, हम नहीं तस्लीम करते, पता नहीं क्यों हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उसी को तस्लीम नहीं करते, हम उसी की चीज़ों को जो नहीं मानते कि नहीं यार ये हम तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और ऐसा सब इसी सोसाइटी में ही होता है जो कि हमें मानना चाहिए, ये हमारे नज़रों में। मुझे बताओ कि हमें अगर पता चल जाए, देखो सेलिब्रिटियों की बात अलग है, उनके अगर हुआ है कभी ऐसा तो उनको हमने बड़ी इज्जतों से देखा है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उन पर बहुत कम बातें हुई लेकिन बातें उन पर भी हुई है, ठीक है ना, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है जो हमें पता चल जाए कि यार इसके साथ ये है ये नाजायज औलाद है, हम उसको ताने हम ही देंगे ताने कि यार तुम तो नाजायज हो, कभी कुछ गुस्से में हुआ कुछ तो जा रहे तो नाजायज है, ये इस किस्म के होते हैं। और वो बच्ची एक गांव में रहती है जहां हर चलता बंदा जो है ना वो इस चीज़ पर टॉन्ट मारता है, मैंने हमेशा कहा है कि गांव की जिंदगी के अंदर एक मिलाप बहुत होता है, यानी एक घर में हुआ है ना तो पिछले 10 घर वाले को भी पता होगा कि उस घर में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें छुपी भी नहीं होंगी, लेकिन तुमने ऐलान कर दिया है, 35 लाख लोगों के सामने तुमने ये ऐलान कर दिया है कि मेहर की माँ भाग गई थी, जिसको तुमने एलिगेशन था उसको एलिगेशन ही लगा रहने देती, उसको चाहे मुगिया ही करने देती, नहीं तुमने उस चीज़ को अपने प्रूफ कर दिया कि भाई देखो उसकी माँ भाग गई है, अब आप जो चाहे कमेंट करो, आपको इजाज़त है, अब आप सब कर सकते हो क्योंकि मैंने खुद आपको उसकी इजाज़त दे दी, अब तुम आकर अगर ये रिग्रेट करोगी या ये बोलोगी कि जो है ना वो आप लोग ऐसे कमेंट्स क्यों करते, तो तुमने ये चीज़ का दे दी इजाज़त उनको, तुमने इस चीज़ पर टॉपिक बनाया, तुमने इस चीज़ को कवर किया, तुमने इस चीज़ पर जो है वीडियो पूरी जो है मोनेटाइज करी, तुमने खुद ने इजाजत दी है, तो बहन जाओ पहले अपने सच निकाल के लेकर आओ, फिर किसी बच्ची के सच निकालना जो कि अभी बहुत छोटी है, जो चीज़ पता है मुझे यही लग रहा है ये रिजा को भी जो ना इतना ज़्यादा जो ना वो इनसिक्योर बनाने वाली जो ना ये सफाई है, उसने इसको कमेंट्स में ऐसी चीज़ें उसकी दिखा कर उसके वीडियोज़ में ऐसी चीज़ें दिखा कर उसको जो है इनसिक्योर कर दिया, उसको सीरियसली उसको इनसिक्योर कर दिया, आज उसकी इनसिक्योरिटी, वो लड़की 4 साल पहले आप उसका व्लॉग देख लो, वो कितनी ज़्यादा हम्बल थी, कितनी ज़्यादा केयरिंग थी, क्योंकि उस वक्त उसको समझ नहीं थी इन सब चीज़ों की, उसने वही किया, उसने उस वक्त इसको इसी तरीके से व्लॉग में ला के उनके सच बयान किए, उनकी चीज़ें बयान की और उनको ट्रोल करवाना शुरू कर दिया, जब वो ट्रोल हुई, जब वो सारी चीजें कंपैरिजन पर आई, जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा, जब उन्होंने देखना शुरू करा, तो वो इस तरीके से बन गई। तो यह बच्चों की जो मेंटल लेवल है यही खराब कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया में डाल के उनका मेंटल लेवल खराब कर रहे हैं, और यही चीज़ अब मेहर के साथ कर दी। अब मेहर को जब ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी सर, तो देखो बच्चे में फर्स्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, ये बच्चे फर्स्ट्रेशन फिर आगे जाके निकालते हैं, ये उस टाइम पर नहीं देंगे, अभी थोड़ी फर्स्ट्रेशन निकालेगी अपनी, क्योंकि उसको पता है उसको मार पड़ेगी, उसको बातें सुनने को मिलेगी, वो फर्स्ट्रेशन उसके अंदर बढ़ती जाएगी जब वो टीन एज में जाएगी, जब उसकी फर्स्ट्रेशन निकालने के लिए, अब जब उसको लगेगा मैं ताकत वाली हूँ, मैं अब कर सकती हूँ, फिर वो अपनी फर्स्ट्रेशन निकालेगी। वो बहुत मासूम सी बच्ची, प्लीज़ उसको बचपना ज़ाया ना करो अपने चंद मोनेटाइज के खातिर और चंद पैसों के खातिर, खैर चंद पैसे नहीं मिलते, ठीक ठाक पैसे मिलते क्योंकि मिलियंस में व्यूज आते हैं इनके, तो प्लीज़ यार बहुत सारा कंटेंट है, बहुत कुछ क्रिंज है, वो तुम डाल सकती हो उस पर नहीं होता, लेकिन किसी बच्ची को लेकर ना करो यार, प्लीज़ यार जो इनके अंधभक्त हमें आगे कमेंट करते हैं ना कि आप लोग पैसों के लिए कितना गिरोगे, ये गिरोगे वो गिरोगे, तो प्लीज़ जाकर उनको भी कमेंट करो कि आप पैसों के लिए कितना गिरोगे, मतलब आप चंद रुपयों के लिए कितना गिरोगे, किसी को भी आप ले जाकर ट्रोल के लिए खड़ा कर देते हो, आपको पता है ये सोशल मीडिया बहुत गंदा वाला ट्रोल करता है, बहुत गंदा वाला, वो नहीं देखेगा वो बच्ची है, ये हमारी भी गलती है कि हम नहीं देखेंगे वो बच्ची है, वो बच्ची कमेंट पड़ेगी तो उसकी जहनीत पर हमारा भी जो दिल गाया चाहे
आएगा हम लिख देंगे, हम बोल देंगे, तो ये हमारी भी गलती है। लेकिन ये सोशल मीडिया, आप यहाँ पर किसी की जबान हाथ पर नहीं रोक सकते, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम जो अपलोड कर रहे हैं, वो तो हमारे अपने हाथ में ना, कि हम क्या अपलोड कर रहे हैं, हम क्या अपनी पब्लिक को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे अपने हाथ में ना, मतलब हम खुद को ट्रोल करने का। अब देखो डकी का ये सीन है, डकी का क्या सीन है, अब डकी को क्यों ट्रोल पता किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो बीवी की फेक वीडियो बनाई गई ना, वो काफी लोगों का कहना है कि हमें पता ही नहीं थी, वो हमें पता चली डकी की वीडियो से, ठीक है ना। और वो चीज़ वो खुद ही बोल चुका था, मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो अजीब किस्म की हरकत है। जब वो रोस्टिंग करता था ना, वो कहता था कि ये हमारी गलती होती है। जब एक बार जो है ना, वो कुछ हानिया आमिर के कुछ वीडियो शीडियो का मसला हुआ था, कुछ मीम वगैरह का, तो हानिया आमिर पर उसने टॉन्ट मारा था कि जब तक उसने बताया नहीं था ना, तब तक लोगों को पता नहीं था। उसके बाद हानिया आमिर ने भी जब खुद ने बोला ना, खुद ने शेयर किया ना, तो मैंने जाकर सर्च किया। तो यानी हम खुद ही अपनी जो है ना, वो बदनामी का जो है ना, वो जरिया बनते। तो वो चीज़ उसने आज ही ये करी है। जो शैम इदरीस के साथ मसला हुआ था, वो चीज़ हुई है। उसने जो है 7 साल, देखो लोग नहीं बोलते, उसने जो किया था रोस्टिंग में, जो किया था उसने उसके साथ, उसने देखो फौरन कहा कि तुमने मेरी बीवी को बेवजह उछाला था, बेवजह। देखो मैं नहीं कहती हूँ रोस्टिंग करना मना है या जो है रिव्यू करना मना है, लेकिन आपको एक लिमिट्स अपनी पता होनी चाहिए। सीरियसली आपको पता होनी चाहिए अपने लिमिट्स। और डकी वो लिमिट्स भूल गया था। सीरियसली डकी ने जब रोस्टिंग स्टार्ट की थी, वो लेवल की हद से नीचे जाकर रोस्टिंग करता था। सीरियसली उसका रोस्टिंग लेवल ज़रूर अच्छा था, लेकिन जो उसकी मजाक मस्ती थी, जो उसका लेवल था, जो उसके बोलने के अल्फाज थे, वो कहीं भी अच्छे नहीं थे। तो बहरहाल वो उसके बीवी के साथ भी देखो हुआ तो काफ़ी लोगों को नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। उसकी वीडियो देख कर ही मुझे पता चला कि इसने जो है वो उसकी बीवी के साथ ये मसला हुआ। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही जब तक उस चीज़ को, मसले को नहीं उछालेंगे, इसी तरीके से सभा ने किया। जब तक उसने महर की माँ का सच नहीं बताया था, तब तक सिर्फ बातें चल रही थी, कुछ लोगों के मुँह से बातें चल रही थी। लेकिन जब वो महर को लेकर आई, तो वो पूरे जमाने में बातें फैली हैं। क्योंकि आप खुद इन्फ्लुएंसर हो, आप खुद फेम लिए हुए हो, तो आपका फेम जो है वो इस सब चीज़ों को ट्रोल करने के लिए बराबर है। 4 कमेंट्स उसको इतना इफेक्ट नहीं करते, आज 400 कमेंट उसी के ऊपर है, वो उसको इफेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को हमें सोचना चाहिए एज ए इन्फ्लुएंसर, कि हम खुद को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर को अक्ल आएगी इतनी जल्दी, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है और पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, ये मुझे समझ में आ गया। भाई पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब शुएब अपनी जो है वो बहन को मोनेटाइज करवा सकता है उसके बच्चे को लेकर, क्यों अपनी बीवी को लेकर नहीं मोनेटाइज करवाया था उसने? क्योंकि उसको पता था कि बातें होंगी और हर किस्म की बातें होंगी, कुछ सिंपति भी देंगे तो कुछ जो है वो ट्रोल भी करेंगे और कुछ अजीब किस्म के क्वेश्चन भी पूछेंगे। लेकिन नहीं भाई, मुझे बहुत अजीब लगता है जो इस किस्म के, तभी तो मैं कहती हूँ ना कि फैमिली ब्लॉगिंग क्यों इतनी ज़्यादा बुरी लगती है। मुझे इसलिए लगती है कि आप अपनी प्राइवेसी, आप अपना आप सब कुछ जो है वो बेच रहे हो, सीरियसली बेच रहे हो। मुझे बहुत अजीब लगता है फैमिली व्लॉगिंग, मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगती है। व्लॉगिंग का मतलब हमने कुछ और ही बना डाला, जबकि व्लॉगिंग का मतलब कुछ और है, हमने उसको कुछ और में तब्दील कर दिया है। बहरहाल इस पर हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आज मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, बहुत कम जो है मैंने किसी और टॉपिक को डिस्कस किया, क्योंकि कल मेरे जो है वीडियो पे बहुत शिकायत थी कि हम सुनने के आते हैं और आप बोल क्या नहीं है आपने तकरीबन, क्योंकि उसमें 10-12 मिनट जो है वो इंडिया पाकिस्तान पर ही बात थी। तो बहरहाल काफ़ी लोगों को पॉइंट समझ में भी आया, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ का अप्रिसिएशन भी किया। देन जो है बाकी सॉरी अगर टॉपिक से हटकर आप बोर हुए थे उस टॉपिक से, उस वाली वीडियो से, तो अगेन सॉरी। बट लेकिन यार था, मैंने डिस्कस कर लिया था। खैर बहरहाल डिस्कस होगा तो उसमें आपका जिक्र मिल जाएगा, ताकि आप देखना चाहें ना देखना चाहें, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर, नहीं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब तो मैं देती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जवाब मैं निकाल के देती हूँ कि जो कमेंट्स आए हुए होते हैं मुझे, तो कमेंट्स लाजमी लाजमी कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।